हेलो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एलएस ऑफ किडनी। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, एलएस एलएस ऑफ किडनी, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है किडनी का। देखते हैं किस टाइप से होता है ये। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी किडनी। ठीक है, इसके बाहर की साइड की बात करें तो तुमको बताया था मैंने, इसके बाहर की साइड डिपोजिशन ऑफ फैट द फैटी टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल, इसी कॉनकेविटी से क्या होते हैं जो डक्ट्स होती है, रीनल आर्टरी, रीनल वेंस और यूरेटर एज वेल एज नर्व्स, इसके थ्रू क्या होती है, अंदर एंटर करती है। देख लेते हैं हम लोग कैसे, रीनल आर्टरी जो कि रीनल वेंस, ठीक है, इसमें अंदर एंटर करती है रीनल आर्टरी, रीनल वेंस है ना, ये बाहर की साइड को निकलता है यूरेटर, ठीक है, हो जाएगा यूरेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो देखो ये बाहर की साइड का होता है किडनी का स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़े से हार्ट टिश्यू का बना होता है ना, तो ये अंदर की साइड का जो स्ट्रक्चर होता है सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है ना? जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, जो अंदर की साइड का स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है रीनल मैंडिबुला है ना। मैक्सिमम जितने भी ऑर्गन्स होते हैं द आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसका कॉर्टेक्स ही कहलाता है, और इनर मोस्ट पार्ट हमेशा उसका मैंडिबुला कहलाता है। ठीक है, अब इसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या पाए जाते हैं, पिरामिडल शेप्स के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं व्हिच इज कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। ठीक है, ये पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। 10 से 12 पिरामिड होते हैं, इन्हीं पिरामिड्स के अंदर हमारे किडनी की बोला तो जाए हमारे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पाई जाती है व्हिच इज कॉल्ड नेफ्रॉन, रेडिएटिंग मैनर के अंदर होती है इनके अंदर, इन पिरामिड्स के अंदर which is called the nephron. The structural and the functional unit of human excretory system is called nephron. ठीक है, radiating manner में पाई जाती है, लगभग लगभग एक किडनी में कितना 1 million nephron पाया जाता है, मतलब कितना 10 लाख। ठीक है, अब देखो आपने कि pyramids की खास बात देखी होगी, इसका जो wide वाला part है वो cortex में है and narrow वाला जो part है वो कहाँ की ओर है, toward the medulla region. और ये देखो बीच में थोड़ा थोड़ा सा gap है इनके, तो इनके जो बीच में gap है, अब देखो आपको पता है कौन सा टिश्यू, कॉर्टिकल टिश्यू है, तो इनके गैप में क्या होता है, इस प्रकार से जो कॉर्टेक्स रीजन होता है ये बीच में आके इस प्रकार से कॉलम बना लेता है, दिख रहा है इनके बीच बीच में से ये कॉर्टिकल रीजन जो दिख रहा है, इनके बीच में आके करेगा इस प्रकार से कॉलम बना लेगा, एंड दीज कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रीनल पिरामिड्स, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट में लगभग लगभग कितने 6 से 8 नेफ्रॉन जो होते हैं वो जुड़े हो सकते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जाके ओपन होती है रीनल पैपिला के अंदर, रीनल पैपिला जाके ओपन होती है बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के अंदर, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर, दीस ट्यूब्स आर कॉल्ड कैलेक्स। ये हर एक हिस्से छोटी छोटी ट्यूब निकल रही है। ठीक है, दिस स्मॉल ट्यूब्स आर कॉल्ड कैलेक्स, और इनिशियल कैलेक्स आर कॉल्ड माइनर कैलेक्स। क्या बोलेंगे, माइनर कैलेक्स। ठीक है, ये ट्यूब आपस में जॉइन होती है, उकाइगा फॉर्मेशन करती है बॉडी ट्यूब का है ना, ये सब जॉइन होती है, उकाइगा फॉर्मेशन करती है
बॉडी ट्यूब का, और ये बॉडी ट्यूब कहलाती है क्या, मेजर कैलिक्स। क्या कहलाती है, मेजर कैलिक्स। और ये मेजर कैलिक्स यहाँ पे आके ओपन होता है एक रीजन के अंदर, ठीक है, ये रीजन दिख रहा है वाला, दिस रीजन इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। ठीक है, एंड द ओपनिंग ऑफ रीनल पेल्विस, ठीक है, बाहर की ओर, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेटर। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर तुमसे कोई कंडक्शन ऑफ यूरिन का बात पूछे, देखो हम बहुत ही मतलब डीप में बता सकते हैं, है ना। एक नेफ्रॉन जाके ओपन होता है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से जाएंगे अपन कहां पे, रीनल पैपिला। रीनल पैपिला से अपन जाएंगे कहां पे, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से अपन जाएंगे कहां पे, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से अपन कहां पे जाएंगे, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से अपन कहां जाएंगे, यूरेटर। यूरेटर कहां पे ओपन होता है, ब्लैडर। ब्लैडर कहां पे ओपन होता है, यूरेथ्रा। तो दिस विल बी द पथ ऑफ यूरिन। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आपको बताया था कि नेफ्रॉन ही है जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, किसका, किडनी का। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है मैंने आपको बताया था कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, किडनी रीनल पिरामिड्स के अंदर, रेडिएटिंग फॉर्म के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। सम ऑफ देयर पार्ट इज लोकेटेड इन द कॉर्टिकल रीजन एंड द सम ऑफ देयर पार्ट इज लोकेटेड इन द मेडुलर रीजन। तो अपन एक लाइन बना लेते हैं, इस लाइन के ऊपर क्या रहेगा, कॉर्टेक्स, और लाइन के नीचे क्या रहेगा, मैडुला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर देख लो, ये कॉर्टेक्स, ये हो जाएगा मैडुला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला पार्ट जो होता है हमारे नेफ्रॉन का, वो कहलाता है क्या, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, क्या कहलाता है, बोमन्स कैप्सूल। इट इज कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन द नेम ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर रीनल आर्टरीज जो होती है वो एंटर करती है इन द फॉर्म ऑफ आर्टरियोल, दे आर कॉल्ड आर्टरियोल्स। ठीक है, इस टाइप से अंदर आर्टरियोल्स आती है, जो आर्टरी बाहर की साइड जिसका डायमीटर ज्यादा है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, जिसका डायमीटर कम है इसको बोलते हैं इफीरेंट आर्टरियोल। ठीक है, जिसका डायमीटर ज्यादा है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, जैसे जहां से ब्लड आता होगा और जहां से ब्लड अंदर की ओर जा रहा है उसको बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं इफीरेंट आर्टरियोल। ये बीच में अंदर की ओर आके काय का फॉर्मेशन करती है, ये फॉर्मेशन करती है कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है, कैपिलरीज के एक गुच्छे का फॉर्मेशन करती है, क्लस्टर का फॉर्मेशन करती है, और ये जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। क्लियर है ये। तो बोमन्स कैप्सूल एक कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैपिलरीज पाई जाती है, उस कैपिलरीज के गुच्छे को, द ग्रुप ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और इन दोनों को कंबाइनली हम लोग मैल्फीजियन बॉडी के नाम से जानते हैं। किसको, बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, दे आर टुगेदर कॉल्ड मैल्फीजियन बॉडी। मार्शल और मैल्फीजी जो ब्लड कैपिलरीज का खोज किया था, है ना, तो ये जाके फॉर्मेशन करते हैं किसका, बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस का। ठीक है, यहां से ये स्ट्रक्चर जो होता है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स में बन जाता है, यहां से ट्यूब्स निकलती है। ठीक है, ये जो ट्यूब्स है ये इस प्रकार से ट्यूब्स निकलती है, दीज आर दिस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स जनरली। इसके बाद का पूरा पार्ट जो होता है कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और बिकॉज ये देखो ये सबसे पहले आपको दिख रही है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, तो इस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स का हमने नाम रख दिया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। कन्वोल्यूशन मतलब क्या होता है, इस प्रकार से घुमावदार। तो बिकॉज सबसे बोमन्स कैप्सूल के बहुत पास में है, प्रॉक्सिमिटी में है, इसकी वजह से इसका नाम क्या नाम रख दिया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और आप इसको चाहो तो इसका एब्रीविएशन जो है वो है पीसीटी, है ना, हम लोग पीसीटी की तरह ही इसको रिगार्ड करेंगे आगे से, है ना। तो ये क्या कहलाता है, पीसीटी।
देन दिस पीसीटी जो कौन से रीजन में है कॉर्टिकल रीजन में है ना, देन दिस पीसीटी एंटर इनटू अ मेडुलरी रीजन इन द फॉर्म ऑफ अ लूप, ठीक है, ये लूप यहां पे आके थिन हो जाता है, ठीक है, एंड दिस लूप इज नोन एज लूप ऑफ हैनले, क्या बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हैनले। इस लूप के दो लिंब हैं, दो लिंब कैसे हैं, देखो यहां से यूनियन अगर पास होगा तो यहां पे नीचे की ओर जाएगा, यहां पे ऊपर की ओर जाएगा। इस लूप के दो लिंब हैं, एक साइड यूनियन नीचे की ओर जाता है बोले तो डिसेंडिंग, सो दिस लिंब इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैनले। इसमें यूनियन ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका नाम क्लियर है, क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैनले, क्लियर है, डिसेंडिंग असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ठीक है। देन दिस लूप ऑफ हैनले इट एंटर्स इनटू द कॉर्टिकल रीजन टू फॉर्म अ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, लेस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल सकते हैं, थोड़ा सा कम कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। दिस लेस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूर की साइड है ना, इसके हिंदी में नाम भी ऐसे ही है, जो समीप में है जो पास उसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो दूर है उसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड, अभी अभी पूरा नाम लिख रहा हूं मैं क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बाकी बाद में हमको उसको एब्रीवेशन से ही पुकारना है, डीसीटी एंड पीसीटी। एंड दिस डीसीटी इट ओपन्स इनटू अ कंबाइंड डक्ट, इसको अलग कलर से बना देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, दिस डीसीटी ओपन इनटू अ कंबाइंड डक्ट, ऐसे यहां पे निकाल देते हैं, है ना, दिस कंबाइंड डक्ट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, एक नेफ्रॉन नहीं, कलेक्टिंग डक्ट में लगभग लगभग कितने 6 से 8 नेफ्रॉन जो होते हैं उनका डीसीटी ओपन होता है, ठीक है, एक कलेक्टिंग डक्ट में एक नेफ्रॉन नहीं 6 से 8 नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी द पथ ऑफ द यूरिन आल्सो, यहां पे से क्या होगा, ब्लड जो है यहां से निकलेगा, ग्लोमेरुलस डक्ट से होके निकलेगा, तो जब पास होगा तो इसमें से जो भी नाइट्रोजिनियस वेस्ट है वो वुमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे, वुमेन्स कैप्सूल से होते हुए पीसीटी, पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले से होते हुए डीसीटी, डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट जाके ओपन होते हैं किसमें, रीनल पैपिला में ओपन, रीनल पैपिला ओपन होती है माइनर कैलेक्स में, माइनर कैलेक्स ओपन होता है मेजर कैलेक्स में, मेजर कैलेक्स ओपन होता है रीनल पैल्विस में, रीनल पैल्विस जो होता है वो ओपन होता है किसमें, यूरेटर में, देन ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, सो इट विल बी आल्सो द कंडक्शन पाथ ऑफ यूरिन आल्सो, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, दिस एफरेंट आर्टेरियोल, ये आप अपने इसको छोड़ दिया ऐसा होता नहीं है, ये एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पे आके क्या करता है, फॉर्मेशन करता है एक नेटवर्क का, है ना, इस प्रकार से ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, इस टाइप से, इस प्रकार से ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है किसके आसपास, पूरे नेफ्रॉन के आसपास, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जब लूप ऑफ हैनले के पास आता है तो ये भी क्या करता है, इस प्रकार से लूप ऑफ हैनले घेर लेता है, देखो कैसे दिख रहा है आपको, ये यहां पे आ गया, है ना, यहाँ पे देखो एक लिंब इसका ये हो गया, एक लिंब इसका ये हो गया, एक साइड नीचे की ओर जा रहा है, एक साइड ऊपर की ओर जा रहा है, तो लूप ऑफ हैनले के अंदर भी क्या बनाता है, इस प्रकार से यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है, और इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वैसा रेक्टा, क्या नाम से जानते हैं इसको, वैसा रेक्टा, किसमें, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क लूप ऑफ हैनले में काय का फॉर्मेशन करता है, लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वैसा रेक्टा, ठीक है, इसका भी एक फंक्शन है, हम पढ़ेंगे आगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन।